नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभुआ आवास योजना के बारे में। दोस्तों अभुआ आवास योजना को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ गई है। बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि आप लोगों को अभुआ आवास योजना की तीसरी किस्त नहीं मिल पा रही थी, साथ ही साथ में अभुआ आवास की जो स्वीकृति हुई थी उन लोगों को घर बनाने की प्रोसेस नहीं चालू हुई थी, यानी कि पहली किस्त नहीं मिल रही थी। दोस्तों हमारे पास एक पेपर की कटिंग है जिसके माध्यम से हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आपको जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है आप लोगों को अभुआ आवास योजना की पैसे भेज दी जाएंगी। साथ ही साथ में बालू भी अगर खत्म होती है तो उसकी भी व्यवस्था करा दी जाएगी। दोस्तों अभी तक झारखंड में 2.91 लाख अभुआ आवास योजना की स्वीकृति मिल गई है और जो बाकी बचे हैं जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद आप लोगों को अभुआ आवास योजना की सारी रुकी हुई किस्तें या फिर सारी रुकी हुई कार्य को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड हम सारे कुछ अपडेट जानने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हम ट्विटर हैंडल पर आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जेएम देवघर की जानकारी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हर झारखंडियों को मिलेगा अपना आवास अभुआ आवास। झारखंड में 2.91 लाख अभुआ आवास योजना की मिली स्वीकृति। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं झारखंड में 2.91 लाख अभुआ आवास योजना की मिली स्वीकृति। तो दोस्तों ये कहा गया है कि आप लोगों को 2.91 लाख यानी कि इसको 3 लाख के आसपास आप मान सकते हैं कि 3 लाख आवास को स्वीकृति मिल गई है और उन लोगों को पैसा भेजना भी शुरू कर देगी आचार संहिता खत्म होने के बाद में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग ने अभुआ आवास योजना के दूसरे चरण में 2.91 लाख आवास की स्वीकृति दे दी है। दूसरे चरण में यानी कि पहले चरण जो आप लोगों को था 2.91 लाख अभुआ आवास की स्वीकृति मिल गई है और जो दूसरी चरण आप लोगों को आचार संहिता खत्म होने के बाद आएंगी उसमें से आप लोगों को 4.5 लाख लाभुकों को आवास देना है। आदर्श आचार संहिता जैसे ही खत्म होती है उसके बाद शेष बचे 1.59 लाख आवास योजना की स्वीकृति दी जाएगी। मतलब दोस्तों ये आप यहां देख सकते हैं कि 4.5 लाख लाभुकों को आवास देना है, इनका टारगेट है कि 4.5 लाख आवास देना है, उसमें से 2.91 लाखों को स्वीकृति दे दी है, मतलब उन लोगों को आवास मिल जाएंगे। बाकी जो शेष बच जाते हैं 1.99 लाख आवास, उसको आचार संहिता खत्म होते ही उसको भी स्वीकृति दे दी जाएगी। पहले चरण में 2 लाख आवास देना तय किया गया था। इस तरह से राज्य मत में अब तक 4.90 लाख आवासों की स्वीकृति दे दी गई है। पहले चरण में सभी आवासों पर काम जारी है, मतलब जिन लोगों को पहले चरण में मिला था उन लोगों का काम जारी है। जैसा कि आपके बारे में कहा गया कि जिन लोगों को तीसरी किस्त नहीं मिला है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि प्रथम चरण में जिन लोगों को स्वीकृति मिली थी उन लोगों का काम चालू है और जिन लोगों को पैसा नहीं आ रहा है उसको भी आ जाएगा। हम दोस्तों अभी आपको एक अपडेट देंगे कि आप लोगों को तीसरा किस्त कैसे लेना है और जल्दी जल्दी में अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी हम बताने वाले एंड में। तो दोस्तों काम जारी है, यहां तक देख लिए। दूसरे चरण में आवास में काम होगा, बालू की कमी से प्रभावित होंगे काम। दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता है कि आवास निरंतर बन ही रहे हैं और जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि 4.90 लाख आवासों की स्वीकृति देनी है, तो इतने में से कहीं ना कहीं बालू की खपत ज्यादा होगी और बालू की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। तो इसी को लेकर के कहा है कि आवास को लेकर के थोड़ी सी बालू की कमी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार 1.13 लाख आवास झारखंड को दिए गए हैं। मतलब दोस्तों अभी तक की 4.90 लाख को आपको अभुआ आवास मिले थे और 1.13 लाख आवास आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोगों को मिला है, ठीक ना। तो उसमें भी बालू की समस्याएं देखने को मिलेगा। यहाँ ये भी कहा गया है आवास पर पीएम आवास योजना को मिला है, एक साथ करीब 4 लाख आवासों पर काम शुरू होगा। वहीं पहले चरण में 1.99 लाख आवासों पर काम जारी है। जिस टाइम सरकार आपके द्वारा पिछले बार में लगा था जिन लोगों को तीसरी किस्त नहीं मिला है उन लोगों के बारे में कहा गया है कि 1.99 लाख आवास पर काम अभी भी जारी है और आने की करीब 6 लाख आवासों को पार जारी होगी। मतलब सारे कुछ को मिला करके देखा जाए पीएम आवास योजना और साथ ही साथ अभुआ आवास योजना अगर दोनों को मिला करके देखा जाए तो हमको यहाँ पर करीबन 6 लाख आवास का निर्माण होंगे। इसी में आपको इसका आसार आवासों का निर्माण पर पड़ता है। अब एक साथ में इतने आवास पर बालू की उपलब्धता नहीं होने से काम बाधित होंगी। इनका ये मानना है कि 6 लाख अगर घर बनते हैं तो
तो उसमें कहीं ना कहीं बालू की जो समस्याएं हैं वो आप लोगों के सामने आ सकते हैं और उसमें आप लोगों का काम जो है वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे चरण में 4.15 लाख आवासों को आवास योजना देना है, 1.59 लाख आवासों की स्वीकृति आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद आप लोगों को भेज दिया जाए। दोस्तों ये रही हमारे सामने अपडेट। अब हम इससे हट करके जो बातें करते हैं, जो हम आप लोगों के लिए कहीं से इकट्ठा किए हैं जानकारी को, वो इकट्ठा ये किए हैं कि जिन लोगों को अब आवास योजना की तीसरी किस्त नहीं मिली है तो उनको क्या करना है, जिससे आप लोगों का काम बहुत ही आसान तरह से काम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अपने अधिकारियों से बात किया कि अब आवास योजना की तीसरी किस्त क्यों नहीं आ रही, तो वो हमको जो जानकारी दिए हैं वो हम आपके साथ साझा करें। तो दोस्तों करना क्या है कि आप लोगों को अबुआ आवास योजना की तीसरी किस्त लेने के लिए यहाँ से क्या किया कि आपका फोटो खींच करके ले गया, जियो टैग कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना उन्होंने जो लेकर के गया ना वो ब्लॉक तक लेकर के गए और ब्लॉक में वो सारी कुछ अपडेट कर दिए। ब्लॉक तो अपनी काम को कर देता है, आपको क्या करना है कि तीसरी किस्त लेने के लिए आपको अगर जल्दबाजी में लेना है तब आपको ब्लॉक में जाना होगा और ब्लॉक जाने से पहले आपको अकाउंट नंबर लेना है, आधार कार्ड लेना है और ब्लॉक जानना। ब्लॉक में जाने के बाद जहां आपका आवास का काम होता होगा उस कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जा लेना है और वहां से आपको पूछ लेना है कि सर मेरी अब आवास योजना की तीसरी किस्त नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने आज आप लोगों के लिए जो जानकारी लाया कि तीसरा किस्त क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है और आचार संहिता जैसे भी खत्म हो जाता है उसके बाद ब्लॉक से आपका तो ब्लॉक में गया है और ब्लॉक की जो अपनी काम होती है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आपका पैसा नहीं आने का दो कारण है, पहला आपका ब्लॉक में रुका हुआ होगा तो ब्लॉक जाकर के पता कर लोगे तो ब्लॉक से जो आपका काम है वो फॉरवर्ड कर देंगे डिस्ट्रिक्ट को। तो जैसे ही सारी डिस्ट्रिक्ट को फॉरवर्ड करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम उन्हीं के पास आ जाता है, तो उसमें से आप लोगों का ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि त्वरित आपके पास बने तो ब्लॉक जानना है, ब्लॉक से आपका काम को फॉरवर्ड कर देगा आगे, तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पहुंचाना है। डिस्ट्रिक्ट पहुंचोगे तो आप अपनी सारी डिटेल्स को उसके सामने रख दोगे तो वहां से जो आपका पैसा जो भेजने का काम होता है वो काम होता है डिस्ट्रिक्ट को। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट ही डायरेक्ट पहुंच जाते हो तो आपका जो काम है, जो आपका अब आवास योजना की किसी किस्त रुकी हुई है, वो बहुत सरलता पूर्वक आप लोगों को आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा और वहां से आप काम को कर पाओगे। और अगर आप रहोगे कि सारा काम हो गया है तो मुखिया जी या फिर आपका पंचायत सेवक जी कर देंगे, पंचायत सचिव जी कर देंगे, तो इसमें से आप लोगों को काफी समस्याएं हो सकती है और काफी लेट भी लग सकते हैं। और अगर आप जल्दबाजी में चाहते हो कि आपका जो काम रुका हुआ है वो आप जल्दी से मकान बनाना चाहते हैं, अपना आवास बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉक जाइए और ब्लॉक से पता करिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड कर देता है तो आप डिस्ट्रिक्ट जाइए, वहां से आपका काम हो जाएगा और आपको तीसरी किस्त मिल जाएगी। यही आप लोगों को सिंपल प्रोसेस है और जो सहूलियत वाली चीज है वो यही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर आप भी अब आवास योजना से रिलेटेड सारी जानकारी को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग इस चीज़ का लाभ ले सकें और सभी का जो अब आवास योजना की रुकी हुई किस्त है वो सब अपना ले सके। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।